दोस्तों, ग्रैंड पा गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिबिस्कस प्लांट की कटिंग लगाने के विषय में हम आपको जानकारी देंगे, और ऐसा आपको जानकारी देंगे कि आप भी अपने घर में हिबिस्कस की कटिंग बहुत अच्छा से ग्रो कर लेंगे। कटिंग लगाने से पहले आपको हम अपने हिबिस्कस प्लांट का आपको अपडेट दिखाना चाहेंगे। आप देख लीजिए, किधर से भी देखिए एकदम फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ देखिए एकदम फूल ही फूल है, और इसका पत्ता देखिए कितना सुंदर पत्ता है। एक पत्ते पर भी कहीं पर भी आपको कोई दाग धब्बा नहीं मिलेगा, और कहीं पर भी कोई पत्ता में किसी तरह का रोग नहीं लगा हुआ है। इसमें मैं अलग से कोई दवा नहीं डाला हूँ, मैं केवल अपने प्लांट पे नीम आयल का छिड़काव करता हूँ। यह केवल नीम आयल का कमाल है, और पौधे की ग्रोथ तो आप देख रहे हैं, इस तरह का आपको हिबिस्कस प्लांट शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, सारे फूल ही फूल आपको एक तरफ से दूसरी तरफ सारे फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ठीक है, ये तो अपने प्लांट के अपडेट की बात हुई, और बड़ा मेरा चूँकि प्लांट है तो इसमें कुछ खाद वाद भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 10 दिन 15 दिन पे आप पानी देते रहिएगा अपने पौधे को। हम भी यहाँ मतलब नमी का बराबर ध्यान रखते हैं कि एकदम से नमी सूखने ना पाए, और देख रेख में ज़्यादा कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मिट्टी में ये बढ़िया से गुड़हल का प्लांट, हिबिस्कस का प्लांट, कहीं इसको अड़हुल बोलते हैं, अच्छा से चल जाता है। इसको अगर आप चाहते हैं खाद देना तो साल में 2 बार, चूँकि मेरा पौधा बड़ा है इसलिए मैं लगभग 20 ग्राम एक बार में NPK खाद देता हूँ, और ऐसा मैं केवल साल में 2 बार करता हूँ। तो आपका अगर प्लांट छोटा होगा, छोटे गमले में होगा, तो आपको अधिक से अधिक खाद 1 ग्राम से ऊपर नहीं देना है। अब हम आपको कटिंग के विषय में बता दें कि इसकी कटिंग कैसे ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम एक कटर लेंगे। कटर को मैं अभी हैंड वाश से धो के एकदम साफ़ कर लिया हूँ। हैंड वाश से धो के साफ करने के बाद इसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है। ये देखिए, मेरे पास डेटॉल का इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर ओरिजिनल है, जो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, और अपने कटर को सबसे पहले सैनिटाइज करेंगे। ये सैनिटाइजर को मैंने अच्छा से अपने कटर पे लगा दिया, और अब मैं कटिंग ग्रो करने से पहले कुछ माँ भगवती को चढ़ाने के लिए कुछ फूल अपने बगीचे से हार्वेस्ट कर लेते हैं। जय माँ भगवती। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमोस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। दोस्तों, ये पूजा करने के लिए मैंने ये इतना फूल आज के लिए हार्वेस्ट कर लिया। अब इस कटर की मदद से हम एक कटिंग पौधे के से काट के निकालेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं इसका एक टहनी काट के ले लिया। कटिंग काटते समय आपको ध्यान देना है कि ये जो टहनी लेंगे यह ना तो ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, इसकी मोटाई पेंसिल के मोटाई के बराबर होना चाहिए। तो ये टहनी हमने ले लिया है, और इस टहनी को हम आपको इसकी कटिंग लगा के दिखाते हैं। दोस्तों, अपने हिबिस्कस के प्लांट से जो टहनी मैं काटा हूँ वो आपके सामने दिखाई दे रही है। इसको हम कलम में कन्वर्ट करेंगे। इतना बड़ा टहनी कलम में नहीं लगेगा, इसके हम करीब 5 या 6 इंच के कई टुकड़े बनाएंगे।
और जो भी हम कटिंग काटेंगे कटर से काटते समय ही इसको तिरछा करके काटेंगे ताकि ये 45 डिग्री के कोण पे कटे, इस तरह से तिरछा करके पकड़ेंगे। ये दोस्तों एक कटिंग हो गई और एक बार में ही क्लियर काटना है, ये नहीं कि बार बार उसको रेतते रहिए। ये हो गई मेरी सेकेंड कटिंग, ये हो गई थर्ड कटिंग। ये सब पतला है, ये नहीं लग पाएगा, इसको अलग हटा देते हैं। दोस्तों इसमें से नीचे के पत्ते इस तरह से हम काट के साफ करेंगे, इस डाली को भी काट देंगे, ये इतना ऊपर के कुछ पत्ते हम छोड़ देंगे। इस तरह से एक कटिंग ये तैयार हो गई। अब दूसरी कटिंग लेते हैं, साफ किए, दूसरी कटिंग तैयार हो गई। तो मैं तीन कटिंग इसलिए लिया हूँ कि कोई यह गारंटी नहीं होता कि सारी कटिंग आपकी जर्मिनेट ही हो जाए, इसमें एक आध ख़राब भी हो सकती है, इसलिए मैं अपने गमले में कम से कम तीन कटिंग ग्रो करूँगा। और आगे चल के मैं पहले से कटिंग लगाया हूँ उसका अपडेट भी आपको दिखा दूँगा। एक गमला लेंगे, एक छोटा सा, बहुत बड़ा गमला की ज़रूरत नहीं है। ये गमला में आप होल देख रहे हैं, होल को बंद करने के लिए एक ये टाइल्स का टुकड़ा रखेंगे, ये होल बंद हो गया। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, इस मिट्टी को मैं पहले से ही तैयार करके रखा था। इसमें नॉर्मल गार्डन सॉयल, बालू और गोबर की खाद बराबर मात्रा में मिक्स है। मिट्टी बनाने की प्रक्रिया मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, और आप मिट्टी बनाने की पूरी प्रक्रिया मेरे अलग वाले वीडियो में देख सकते हैं। मिट्टी भरने के बाद मिट्टी को हाथ से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि इसमें अंदर में कहीं से एयर जाने लायक जगह ना रहे। ये दबाने के बाद हम अपना क्रम से तीनों कटिंग लगाएंगे, और कटिंग लगाने से पहले कटिंग पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए पहले हम यहाँ पे गमले में होल बना लेंगे। इस तरह से ये तीन छेद हमने तीन कटिंग लगाने के लिए कर दिया। इसकी कटिंग लगाने से पहले कोई न कोई हार्मोन्स लगाना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि हमारी कटिंग को बढ़ने में मदद मिलेगा, कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। फंगस से बचने के लिए ये हल्दी पाउडर नीचे की तरफ इसमें हमने लगा दिया। ये देखिए हल्दी पाउडर बढ़िया से लग गया। हल्दी पाउडर को पानी डाल के गीला कर लेंगे और इस तरह से ये कटिंग को इसमें कम से कम 2-2.5 इंच तक अंदर मिट्टी के करके इस तरह से अंगुलियों की सहायता से इनको यहाँ फिक्स कर देंगे। ये देखिए एक कटिंग लग गई। अब हम दूसरी कटिंग लेते हैं और दूसरी कटिंग को भी ये हल्दी पाउडर लगाने के बाद हम इसको यहाँ कम से कम 2-2.5 इंच मिट्टी के अंदर लगा दिए। अब इसी तरह से ये तीसरी कटिंग भी हमने इसमें फिक्स किया, और कटिंग के किनारे किनारे की मिट्टी को एकदम आराम से दबा देंगे ताकि इसमें अंदर हवा प्रवेश करने ना पाए। इस तरह से मिट्टी को टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसमें पानी डाल के किसी भी स्थान पर रख देना है। इस तरह से हल्की वाटरिंग कर देंगे। बस मिट्टी नम हो जानी चाहिए। ये कटिंग लगाने की प्रक्रिया समाप्त हुई, और इसके बाद हम पहले से भी कटिंग लगा के रखे थे उसका अपडेट आपको दिखाना चाहेंगे।
दोस्तों 2 महीना पहले मैं हिबिस्कस की कटिंग लगाया था, लेकिन इस साल हमारे क्षेत्र में बरसात नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा इसमें 4 कटिंग लगाई गई थी। ज़्यादा गर्मी की वजह से ये मेरी, देखिए ये कटिंग ख़राब हो गई, ये दूसरी ख़राब हो गई, ये तीसरी भी ख़राब हो गई। केवल एक कटिंग ग्रो की है, रिजल्ट 25% आया। तो हम समझते हैं कि आपकी पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और आप भी अपने घर में कटिंग लगाएंगे। आपको कहीं से भी हिबिस्कस की कटिंग मिल जाए, पास पड़ोस में कोई पेड़ हो, जान पहचान में हो, वहाँ से एक उसकी एक टहनी लाइए और अपने घर में गमले में या ज़मीन में जहाँ स्थान हो वहाँ लगाइए। बहुत अच्छा पौधा है, ये घर में सुंदरता भी बढ़ाता है और पूजा पाठ के काम में भी आता है। बराबर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, ताकि हमारा आपका रिश्ता आगे तक चलता रहे, हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपकी सेवा में अलग अलग तरह के मैटर को लेकर के हाजिर होता रहूं। धन्यवाद।